ओ भाई भाई भाई, ये तो बाहर आ रहा है, क्या बात है यार। एक नहीं आएंगे सर, सारे के सारे रेडी होके अपने ऑटोमेटिकली आएंगे। ये तो बाहर आ रहे हैं भाई खुद ब खुद। और अच्छा, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। शुक्र में बिल्कुल धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरि। और भाई साहब, आज मैं हूँ पंजाब में, लुधियाना में, और आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक शेफ है जो लोग कह रहे हैं कि भाई वो साउथ कोरिया से आए और यहाँ पे इंडिया में साउथ कोरियन स्ट्रीट फूड बेच रहे हैं। और ये जो पीछे भाई ये सामान रखा हुआ है ना, ये जो चीज रखी हुई है, इसके अंदर से वो कबूतर निकालते हैं, आपको सब दिखाते हैं, सब बताते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। भाई साहब आज नेक्स्ट लेवल। भाई साहब, यहाँ पे ना लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ पे कोरिया से शेफ आए हैं और इंडिया में स्ट्रीट फूड बेच रहे हैं, वो भी कोरिया वाला। भाई क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो लोगों के साथ? अरे ऐसा सर कुछ भी नहीं है सर, जो भी सर आपने सुना है गलत है, ऐसा नहीं है। लोगों का प्यार है जो ऐसे कह रहे हैं। बट भाई, लोग तो यही कहते हैं कि कोरिया से शेफ आया हुआ है हमारे लुधियाना में। बिल्कुल सर, वो तो बिल्कुल सच है सर, बट ये सच नहीं है कि मैं कोरिया से आया हूँ। और ये सर मैंने सारी नॉलेज बाय इंटरनेट मैंने हासिल की है। वाह, तो आपने इंटरनेट से कोरियन स्ट्रीट फूड बनाना सीख लिया है। बिल्कुल, और मशहूर भी हो गए कोरिया वाले शेफ के नाम से। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। तो पाजी क्या बना के दिखा रहे हो आज हमें? सर मैं आपको रैप्स दिखाऊंगा। दिखाइए सर, कौन से रैप? विद देसी स्टाइल। पाजी ये मतलब कौन सा वाला देसी स्टाइल, हनी सिंह जी वाला या बादशाह जी वाला? अरे बादशाह नहीं सर, हनी सिंह इज द बेस्ट। हनी सिंह इज द बेस्ट। पाजी मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, बट रैप कौन सा करने वाले हो ये बताओ। ये देखो जी, ये रैप्स आ गए टेबल के ऊपर, और टेबल के ऊपर अब मैदान सज गया है। और क्योंकि आईपीएल चल रहा है तो ये देखो पिच रेडी करने के लिए सबसे पहले क्या आ रहा है भाजी? सर ये आएंगे आइसबर्ग। सबसे पहले तो आइसबर्ग आ गया। चना रैप में सर डलते हैं लेटर्स, और जिम रैप में भी सर लेटर्स। जिम रैप में और चना रैप में लेटर्स, और भाई बाकी दोनों में आइसबर्ग। अभी देखते हैं क्या क्या बन रहा है इसके अंदर। और ये देखो भाई, भर भर के ग्रीन्स डाल दिए हैं। भाजी मैंने सुना है आपके सामने एकदम जिम है, और जिम की सारी जनता जो है इधर ही आती है। बिल्कुल सर, जिम रैप मैंने न्यू इंट्रोड्यूस किया है जी, और जिम वाले कस्टमर बहुत पसंद कर रहे हैं उसको। ये सर टमाटोस, ये आ गए जी टमाटोस। ये सर अनियन, ये आ गया जी प्याज। ये कुकम्बर सर, ये आ गया जी क्यूकम्बर। भाजी ये वही है ना, हिंदी में खीरा भी कहते हैं इसको। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाजी फिर सब्जियां आप मतलब मंडी जाते हो कोरिया में या यहीं से लाते हो? अरे सर यहीं से सब। और ये सर ये वेजीज है मिक्स जी, इसके अंदर ब्रोकली, कैरेट, और इसको हम पंजाबी में कहते हैं ना चुकंदर। चुकंदर, क्या बात है। ये देखो जी, ये सारा मिक्स वेजीज जो है, ये जिम वाले में मिक्स वेज जाएंगी। और सर जिम वाले में इससे सबसे जो बेस्ट चीज है जो लोगों को पसंद आती है जी जी जी, वो है सर यहाँ के स्प्राउट्स। ये है जी स्प्राउट्स, और ये भी जाएंगे जिम रैप के अंदर। बिल्कुल सर, वाह जी वाह, चुकंदर और स्प्राउट्स और जिम रैप के अंदर दोनों चीजें आ गई हैं। और सर ये बाकियों में अब जलेगा अपना, इसके कहते हैं मैम हिंदी में कैप्सिकम, हिंदी में कैप्सिकम, और इंग्लिश में शिमला मिर्च। इंग्लिश में शिमला मिर्च। भाजी कोरिया में भी ऐसे ही बोलते हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। वाह जी वाह, तो देखो जी कोरिया में भी इसको यही कहते हैं। ऐसे ही लोगों ने मजाक बनाया कि कोरिया और इंडिया अलग है। सर अब स्वीट कॉर्न, ये आ गया जी स्वीट कॉर्न। भाई ये तो भाजी आपने चना चाट बनाई हुई है? बिल्कुल सर। वाह, मैंने आपको बताया था ना देसी स्टाइल लेके आऊंगा। जी जी जी, ये सर चना है मम्मा। अच्छा, का बनाया हुआ। क्या बात है, आंटी जी ने बना के चने भेजे और चना चाट बना के ये भी आ गई रैप के अंदर। भाजी इतने आपने लद दिए हैं, ये फोल्ड कैसे करोगे? अरे सर हो जाएंगे फोल्ड, बहुत ईजी है ये तो। छोटी बात कर रहे हो, कोरियर तो कहते पनीर होता नहीं सर, ये फिर वहाँ पे टोफू होता है ना। अच्छा वहाँ पे टोफू होता है, तो यहाँ पे मैं फिर पनीर यूज कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आ गया जी ये पनीर, और पनीर को भी हल्का सा मसाला लगा के मैरिनेट किया हुआ है सर। जी जी जी, मैरिनेट किया हुआ है। और भाई यहाँ पे अगर मैं आपको इस एंगल से दिखाऊँ ना तो काफी बड़े बड़े लग रहे हैं ये रैप, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे रैप है। और इसमें क्या आएगा सर? सर ये नॉर्मल वेज। अच्छा ये नॉर्मल वेज है, इसमें कुछ भी नहीं? नहीं ऐसे कुछ नहीं है सर, इसमें सर आएंगे अभी ब्लैक ऑलिव्स। अच्छा ऑलिव्स आएंगे इसमें, क्या बात है जी। ये आ गया जी जैतून। और भाई रैप्स के प्राइसेस भी बता दो कितने कितने, जो जिम वाला कितने का है? जिम वाला सर ये 60 का, चना वाला 70 का, पनीर वाला भी सर 70 का। अच्छा जी, और ये सर 50 का। भर के लोड करके रैप जो है वो रख दिए, और भाई हैलपेनोज भी आगे ऊपर से। भाजी हैलपेनो अगर सही बाइट में आ जाए ना करंट मार देता है ना। ये तो है जी 440 वोल्ट का झटका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो जी, ये 440 वोल्ट का झटका मारने के लिए भाजी ने डाल दिया जी अंदर, ठीक है। और सर ये ऊपर से सॉल्ट। भाजी आपके स्वाद अनुसार कि भाभी जी के स्वाद अनुसार? सर दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर। मैं क्या शायद शादी के बाद बंदा कहता ना, ब्याह तो बाद भाभी के साथ चलना फिर। और ये क्या क्या आ गया? ये सर पेरी पेरी चिली फ्लेक्स। ये आ गई जी वो चीज जिसकी वजह से रैप जो है वो कल सुबह तक याद आएगा, और व्यूअर्स को भी मेरी याद आएगी कि हाँ रैप्स खाए हैं। रैप्स खाए भाजी, बस कल तक ही आनी चाहिए, इसके आगे गई ना गेम तो फिर काम खराब हो जाता है। सर अब होगी सॉस की बारिश। सॉस की बारिश? बिल्कुल सर। भाजी कोरिया में मतलब पानी नहीं बरसता, वहाँ पे सॉस बरसाते हैं। सर सबसे पहले आ गई तंदूरी। वाह जी वाह भाई, कोई सॉस में कंजूसी नहीं है, भर भर के डाल दिए। उसके बाद आ गई सर मेयो।
ये आ गई जी मेनीज। जिम वाले में सर थोड़ी सी डालूंगा मैं। जी जी जी, इसमें मत ही डालो सर, कोई बात नहीं, जिम वाले मेनीज खाते नहीं है। बिल्कुल जी। और सर इसके बाद आ गई ग्रीन, अपना ग्रीन मिंट। ये आ गई जी मिंट, ये भी एकदम लोड कर दी भाई, क्या बात है। उसके बाद सर आ गई हनी मस्टर्ड। हनी मस्टर्ड भाजी 70 रुपए की सॉसेज पाती है तुसी। सर बस सर ये बारबेक्यू। अच्छा ये बारबेक्यू भाजी, आप मुझे लग रहा है सबवे में जाके सारी सॉसेज डलवाते हो। अभी इसको दिखाओ, इसको अब इकट्ठा कैसे करोगे, इसको इकट्ठा कैसे करना है? इकट्ठा सर ये ऐसे होगा, देखिए जी, यहाँ से इसको फोल्ड किया जी, यहाँ से इसको थोड़ा सा प्रेस किया। अच्छा देखिए भाई क्या बात है, ये तो गेम पा गए। बिल्कुल जी। लो जी ये दूसरे वाला भी हो गया जी कट्ठा, ये पहले अंदर को और ये दूसरा ऊपर से। भाजी ये जो रैप्स है नीचे, ये टॉर्टिया है क्या चीज़ है? ये सर टॉर्टिया रैप्स। अच्छा टॉर्टिया रैप्स, ये मल्टीग्रेन है? नहीं सर ये नॉर्मल में है। अच्छा नॉर्मल में, मतलब मल्टीग्रेन भी आप ला सकते हो? ला सकता हूँ सर। ये देखो जी ये हो गया तीसरा वाला फोल्ड, और भाई इसके ऊपर जो दम लगाया ना, मुझे लग रहा है जिम वाला रैप तो ऐसे ही बन गया ये। लो जी ये हो गया जी फोल्ड। भाजी ये सामने रखा क्या हुआ है, कुल्फी है? ये सर कुल्फी नहीं है जी, ये सर कोरियन रोल्स हैं। कोरियन रोल्स? हाँ ये कोरियन रोल्स वाली मशीन है, मतलब कोरियन कुल्फी, कोरियन कुल्फी कह सकते हैं। गर्म होती है ठंडी होती है? ये सर गर्म होती है। बना के दिखाइए सर फिर, गर्मा गर्म खाना तो हम खाते रहते हैं, पर ऐसी कोई चीज देखी नहीं, मतलब है कहाँ से? आपने कोरिया से लाए हो आप? नहीं सर। कहाँ से लाए? ये तो सर टॉप सीक्रेट है। भाजी ऑफ कैमरा बता देना, इधर बगल में रेडी लगा लूंगा, कॉम्पिटिशन आएगा सर। आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसे बता के नहीं। पहले तो सर लाइक चिकन सॉसेज होती है जी, ठीक है ये डालनी है मशीन के अंदर। अच्छा आपने चिकन सॉसेजेस कुल्फी की तरह डक्के के अंदर डाल रखी है? ठीक है सर। हाँ जी बिल्कुल। और ये आपने डाल दी सीधा मशीन के अंदर? मशीन के अंदर जी। ये सॉफ्टनेस इसके अंदर आ जाए जी, मशीन के अंदर ये जा रही है। अच्छा जी 6 की 6। अच्छा 6 की 6 अंदर डाल दिए हैं। हाँ और ये देखो लिटरली ये डंडे हैं, मतलब कुल्फी की तरह डंडे बाहर आए हुए हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगेगा। अच्छा जी इसके ऊपर मक्खन भी जाएगा भाई, और देखो बढ़िया धुआं हो जाएगा एकदम, और ये जबरदस्त अरोमा जो है पूरे इस एरिया में फैलेगा तो लोग भागे चले आएंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे। और सर इसके अंदर डलेगा 1 एग। अच्छा एग? हाँ हर सॉसेज में 1 एग। बिल्कुल सर। वाह जी वाह, ये देखो भाभी जी पीछे से सपोर्ट करते हुए एक एक अंडा जो है वो तोड़ के दे रहे हैं, और इधर पाजी जो है उनको अच्छे से अंडे को हिला के और अच्छे से शेक करके और फिर एक तरह से ऑमलेट बना के डाल रहे हैं अंदर। सर ऑमलेट नहीं निकलेगा इसमें से। अच्छा क्या निकलेगा सर, आप खुद ही देखना थोड़ी देर में। कबूतर तो नहीं निकलेगा? कबूतर नहीं सर, चिकन। अच्छा चिकन निकलेगा, चिकन विद एग। भाजी पंजाब में है तो मक्खन तो खाना मक्खन पड़ेगा। तो चलेगा अभी कुछ हो रहा है इनमें, जंतर मंतर चल रहा है। ओ भाई 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 ये तो बाहर आ रहा है, क्या बात है यार। भाजी तो टोस्टर की तरह बाहर आ रहे हैं, जैसे टोस्टर होते हैं। बिल्कुल एक नहीं आएंगे सर, सारे के सारे रेडी होके अपने ऑटोमेटिकली आएंगे। ये तो बाहर आ रहे हैं भाई खुद ब खुद, और अच्छा इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता? नो सर बिल्कुल भी नहीं, बस निकल। ओ भाई ये देखो एक और बाहर। भाजी ये बारी से आते हैं कि पहले तेरी बारी फिर दूसरी मेरी बारी? चलिए मन मौजी हैं ये। अच्छा ये रोल्स है ना, ये बड़े मन मौजी हैं, बड़े मन मौजी हैं। और देखो तीसरा भी रेडी हो गया जी, ये देखो। भाजी इकट्ठे कोई नहीं बाहर आते? ये वही तो कह रहा हूँ, ये मनमौजी हैं, मनमौजी हैं। अपने आप उनको पता लग गया ना मैं रेडी हूँ तो अपने बाहर निकल आएगा। क्या बात है पाजी, एक और बाहर। और पाजी अगर कोई बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए, हाँ जी, वो बोले मुझे ज्यादा भूख लगी है, वो बोले मुझे ज्यादा भूख लगी, तो दोनों इकट्ठे नहीं निकलेंगे मतलब? हाँ। पर निकल आएंगे, देखो आपकी बात है, ये देखो ये रेडी हो गया, ये भी हो गया। ओ वाह वाह वाह, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला निब्बा निब्बी वाला रेडी हो गया भाई, ये निब्बा निब्बी इकट्ठे तैयार हो रहे हैं। अभी पड़ेंगे अभी देसी मसाले, देसी मसाले कोरियन स्ट्रीट फूड में। बिल्कुल, जिसकी वजह से अंग्रेज इंडिया आए थे वो आप कोरिया में डाल रहे हो? हाँ बिल्कुल। क्या बात है जी, दिखाओ फिर। ये सर पेरी पेरी मसाला, चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स आ गए जी, इसकी वजह से सुबह ये रोल आपको याद आएगा। ये ऑरेगानो, ये आ गया जी ऑरेगानो। और भाई ये सर आ गई मेयो। अच्छा ये इधर से आ गई जी मेयोनीज। इसके बाद आ गई सर तंदूरी। इसके बाद तंदूरी भी आएगी भाई। भाजी एक चीज बताओ, ये इतना कुछ तामझाम करके सारा कुछ डाल के तब भी 50 का ही है? बिल्कुल सर बिल्कुल। जान भाजी थैंक यू सो मच भाजी। टेस्ट टेस्ट करते हैं जी आज गाड़ी के अंदर, आफ्टर सो लॉन्ग भाई साहब, बहुत मुद्दतों बाद आज गाड़ी के अंदर टेस्ट टेस्ट करने वाले हैं। हियर इज अ बाइट। भाई साहब अभी जब दुबई में थे ना, तो दुबई में काफी सबवेज में मैंने देखा था सन ड्राइड टमेटोज और भाई साथ में मशरूम्स और ये सब चीजें पड़ी थी। यहाँ पे भाई ने स्प्राउट्स डाले इस रैप के अंदर, और जो फ्लेवर है इतना जबरदस्त आ रहा है ना। वैसे स्प्राउट्स नहीं खाए जाते हैं, बड्डी वाले खाए जाते हैं, बहुत अच्छा। और सिर्फ 70 रुपीज में आपको इतना बढ़िया अगर ये स्वाद मिल जाए, इतना बढ़िया जायका मिल जाए, तो और क्या चाहिए। यहाँ पे जरूर आओ, लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को लाइक कर दो, और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जिंदाबाद रहन सर, यानी साडा पंजाब, नारी साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी ही एक जबरदस्त वीडियो अबाउट अनदर अमेजिंग स्ट्रीट फूड वेंडर, जो कि भाई साहब सबवे को फेल कर रहे हैं,
तो भाई ये देखो,